गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा है। तो हम आज आए हैं ग्राउंड की तरफ। क्योंकि बीच रास्ते में जहाँ मैं पहले जाती थी वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइडिंग का डर रहता है। ढांक वगैरह काफ़ी हैं और ये तो हमारे साथ डेली के ही हैं, हमेशा मतलब साथ साथ पार्टनर चलते रहते हैं। गाइस, आज हम ग्राउंड गए थे तो वैसे हम डेली जाते हैं तो मैं कभी शूट नहीं कर पाती। आज सोचा कि चलो थोड़ा आप लोगों के लिए भी थोड़ी अलग चीज़ हो जाएगी देखने को। अदरवाइज़ हम काफ़ी दिनों से हम ग्राउंड ही जा रहे हैं। वेदर देखिए गाइस, ऑसम। वहाँ के लिए बिल्कुल सीधा सीधा सा रास्ता है ग्राउंड के लिए, तो ज़्यादा डर नहीं लगता। अदरवाइज़ तो स्लाइडिंग एरिया ही है आगे भी तो पीछे को भी। बीच से पुल होके काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। और यहाँ पे है प्यारा सा, मतलब क्यूट सा छोटा सा बच्चू। और यहाँ पहुँच गए हम लोग घर। और टाइम जो गाइस अभी 6 o'clock के राउंड हो रहा है, तो हमको 1 hour लगता है, 5 o'clock हम घर से निकलते हैं और मतलब 6 o'clock तक वापस आ जाते हैं। यहाँ पहुँच गए हैं घर। गर्मी है बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर में बाहर ही बैठ गई थी। गाइस, जो भी योगा मेडिटेशन है मैं वहीं से करके आती हूँ, ग्राउंड से ही, क्योंकि घर आके काफ़ी थकावट सी हो जाती है। घर आके बस सीधे मैं टी पी लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब थक जाते हैं आते आते और काफ़ी डिस्टेंस चलते हैं हम मॉर्निंग में। वेलकम बैक गाइस। हम आ गए मॉर्निंग वॉक करके और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, स्वेटिंग भी बहुत हो रही है। काफ़ी अच्छा वेदर है, मतलब है आज का, और क्लाउड्स हैं और मौसम बहुत अच्छा है। देखिए बारिश शुरू हो गई थी जब हम वापस आ रहे थे, तो अभी फ़िलहाल बैठी हूँ, पानी वानी पीऊँगी, उसके बाद अपने लिए टी बनाऊँगी, स्पेशल टी जो आपके साथ शेयर की थी, और फिर आपसे मिलती हूँ गाइस। थोड़ी देर ऐसी बैठती हूँ, रिलैक्स करती हूँ मम्मी के साथ, और थोड़ी देर हम यहीं बैठेंगे बाहर, क्योंकि अभी आने के बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अभी यहीं बैठते हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस, घर की क्लीनिंग का काम हो चुका है और टाइम अभी 9 बजे के आसपास हो रहा है, तो मैंने फटफट से चाय वगैरह पीने के बाद सफाई वगैरह कर दी थी। तो अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे मार्केट, मतलब 11 बजे के आसपास। तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करना रह गया है, शार भी लेना है, और फिर मिलती हूँ गाइस अब आपको बाद में ही जब मार्केट जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिज़ी रूटीन होने वाला है। एक्चुअली मॉर्निंग से ही बिज़ी थी आफ्टर जब हम मॉर्निंग वॉक करके आए थे। थोड़ा चुटपुट सा काम था वो कंप्लीट किया, और थोड़ा क्लीनिंग का काम है वो कंप्लीट करके अब मैं आपको मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर में शार वगैरह लेने के बाद। बस मैं चल पड़ी हूँ और मैंने अपना जो मास्क है, सैनिटाइज़र है, सब डाल दिया है साथ में। और मैंने ना बिंदी चेंज कर दी थी, मुझे लगा ये इसके साथ मैच करिए, इसे ले पहन लेती हूँ। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है आपको। सिंपल सा मेकअप किया मैंने, ज़्यादा नहीं है। अभी मैं चलती हूँ और मम्मी भी तैयार हैं, निकलते हैं। वहाँ धूप तो गाइस मतलब बहुत ज़्यादा है, छाता बिना छाते के तो जाने वाली नहीं हूँ मैं, छाता भी डाल देती हूँ। गाइस निकल पड़े हैं और धूप देख, ये देखिए धूप बहुत ज़्यादा, छाते के साथ जा रहे हैं और टाइम जो है अभी 2 बजे के आसपास हो रहा है। चलिए। गाइज़, यहाँ हम चल पड़े हैं बाज़ार की तरफ और हस्बैंड आ रहे हैं हमें छोड़ने। ससुराल साथ में ही हैं तो बस वहीं से ही वो आगे हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है गाइज, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और अभी मैंने मास्क उतार के रखा है, अभी थोड़ी देर में पहन लूँगी। अभी हम गाड़ी में हैं तो नहीं तो सफोकेशन बहुत हो जाती है। तो यहाँ है पैकेट डाले हैं सूट्स वगैरह, तो ये देने हैं मुझे टेलर दी के पास, सूट देने दीदी के यहाँ पे, और एक मम्मी का पैकेट, एक मेरा। मम्मी ने तो सिलवाने से मना कर दिया, मैं यहीं आ गई हूँ, सूट दे देती हूँ दीदी को, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइज, यहाँ पहुँच गई हूँ मैं टेलर दी के घर, सूट वगैरह देने के बाद गाइस मुझे दिख गए ये अंकल, और बहुत टेस्टी चाट बनाते हैं गाइस। जो भी यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ना, सभी यहीं जाते हैं इनके पास, तो आजकल ये यहीं पे हैं। बस ये है टेलर दी का घर, तो यहाँ बस हम बैठ गए थे, तो यहीं सामने ही इनका ठेला है, तो बस यहाँ पे मेरा मन किया चाट खाने का, तो बाज़ार जाने से पहले हमने सबने चाट खाई, और उसके बाद हम चल पड़े मार्केट की तरफ। और भीड़ बहुत ज़्यादा है आजकल, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे मार्केट, और गर्मी गाइस इस टाइम पे बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आप बोल सकते हैं। यहाँ पे पहुँच गए हम मेन बाज़ार, मतलब मार्केट। थोड़ा सा ही डिस्टेंस लगता है घर से, तो आने जाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है।
बसेस वगैरह भी गाइज अब तो प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हो गई है। कोई ऐसा मतलब है नहीं है कि मतलब आपको नहीं मिलेगी, गांव के लिए बसेस जा रही हैं और थोड़ा लॉन्ग रूट वाली बसेस भी धीरे धीरे चलना शुरू हो चुकी हैं। पहुंच गए हैं और चलते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज यहाँ हम पहुंच गए थे और बस अब जा रहे हैं मार्केट की तरफ को। सो यहीं से जाएंगे नीचे और सबसे पहले मैं यहाँ पहुंच गई थी अपने कुछ एक फॉर्म्स वगैरह का पता करने। सो बस यहाँ पे वही कर रही हूँ और आजकल लॉकडाउन की वजह से मेरे सारे एग्ज़ाम एक्सटेंड हो चुके हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पता करना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। सो वो मार्केट से ही पता लगता है, ऑनलाइन भी साइट्स नहीं चलती हैं, बड़ी दिक्कत है गाइज। सो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है गाइज, बहुत ज़्यादा भीड़, और हर एक शॉप में मतलब अच्छे से प्रॉपर तरीके से पालन किया जा रहा है। तो यहाँ पहुँच गए थे हम सबसे पहले मोबाइल की शॉप में, जहाँ से मम्मी को मोबाइल लिया था। तो बाहर से जो एक्स्ट्रा कवर है वो उसमें नहीं चढ़ा था, मतलब ग्लास जो चढ़ता है। और यहाँ देखिए गोले गोले किस तरह से चढ़े हैं। तो ये है गणपत टेक्सटाइल, तो होलसेल की शॉप है गाइज, और मुझे यहाँ से परचेज़ करनी थी अपने लिए मतलब सदरी बास्कट हिमाचली उसमें बोलते हैं। सो मैंने ये कलर चूज़ किया है गाइस, मरून कलर, मतलब रेड सा भी है मरून काइंड ऑफ, बहुत अच्छा कलर है गाइस। बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। और यहाँ पे वेट, तो मैंने ली है बास्कट, मतलब जो हिमाचल में पहनी जाती है। मेरे पास एक ही थी तो मैंने सोचा एक और ले लेती हूँ, और ये मम्मी ने गिफ्ट करी है, तो मम्मी है फ़िलहाल अंदर, वेट कर रही हूँ। उसके बाद हम जाएंगे थोड़े एक दो जगह और, उसके बाद चलेंगे फिर घर। घर की बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा। सो हस्बैंड ने हमें यहाँ छोड़ दिया था, उसके बाद हम चले गए। सो चलिए आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ है बैंक, कोऑपरेटिव बैंक रामपुर का। सो यहाँ मम्मी गए हैं अंदर। सो यहाँ पे मम्मी फ्री हो चुके हैं तो हम चले अब मार्केट की तरफ। सो मेन मिडल बाज़ार पहुँच चुके हैं। इसके बाद गाइस मम्मी को देनी थी प्रेस, हमारी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी तो यहाँ आ गए थे हम शॉप पे। सो मम्मी यहाँ पे दे रहे हैं प्रेस, तो आधा घंटा में लगेगा। तब तक हम यहाँ पे पहुँच गए थे जीवाराम के स्टोर। मम्मी को छोटी मोटी सी आइटम्स लेनी थी लाइक ग्रॉसरी एंड ऑल। सो थोड़ा थोड़ा मैं भी देख रही थी मम्मी के लिए। मैं यहाँ पे देख रही थी ज़ीरे वाले बिस्किट्स, तो मुझे नहीं मिल रहे थे एक्चुअली। कई बार इनके पास स्टॉक ख़त्म हो जाता है, और आजकल लॉकडाउन में ये भी कह रहे थे कि हमारे पास अब तो मतलब काला महीना शुरू है, लाइक मतलब कोई आता नहीं है परचेजिंग के लिए। देखिए खाली खाली सा ही स्टोर है, मतलब थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। सो हमें कुछ एक लेनी थी और आइटम्स, तो हम यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए थे। ऊपर वाले फ्लोर में गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा सामान लेना होता है ना, तो फिर मतलब उसमें प्रॉब्लम आती है, सब जगह चलना पड़ता है। चलिए यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे भी काफ़ी अच्छी आइटम्स मिल जाती हैं, सैनिटरी से रिलेटेड और स्टेशनरी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे मम्मी देख रहे थे फ्लोर के लिए वाइपर, तो बस यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे और मुझे पूछ रहे थे कि कौन सा अच्छा है, तो बिलिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने कर दी है थोड़ी बहुत परचेजिंग यहाँ से भी, तो निकल पड़े हैं अब। तो मम्मी तो कर रहे हैं बिलिंग, मुझे वेट करना पड़ेगा। टाइम अभी तक आए नहीं है एक्चुअली, आजकल बहुत ज़्यादा रश रहता है क्योंकि लोग मतलब बच्चों को भी छुट्टियां हैं, तो बहुत सारा ढेरों सामान लेके जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है इस तरह के स्टोर में। तो बिलिंग वगैरह में काफ़ी रश रहता है, पर हम लोग सेकेंड फ्लोर पर आए तो यहाँ तो कोई था नहीं, बट भैया का थोड़ा टाइम लग रहा है बिलिंग करने में। जो निचले वाला फ्लोर था जो आपके साथ पहले शेयर किया, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, आपने देखी होगी भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। लोग ना मतलब महीनों भर का जो सामान है वो एक साथ ही मतलब ले जाते हैं, जो स्पेशली जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव से आते हैं, वो भर भर के महीने भर की ग्रॉसरी वगैरह वो लेके जाते हैं। हर लोगों का ये रहता है कि चलो तीसरे चौथे दिन आ ही जाते हैं मार्केट। तो यही है गाइस। मम्मी आ गए बिलिंग करके, तो अब हम चल पड़े हैं। और यहाँ पे हमारी जो प्रेस थी वो भी बनके तैयार है, तो सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो अब बस चल पड़े हैं घर की तरफ गाइस, और भाई आ गए हमको लेने, और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी।
सो बस यहाँ पहुँच गए थे हम ऊपर मेन रोड पे, और मार्केट नीचे को है, यहाँ भाई भी पहुँच गया था हमको लेने, सो बस यहाँ से चल पड़े हैं हम, और भाई को कुछ सामान लेना है तो थोड़ी देर रुक जाएंगे। हे एवरीवन, सो गाइस चल पड़े हैं घर की तरफ, शॉपिंग हो गई है और घूम घूम के बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। सो सुबह से मैंने फेस नहीं दिखाया है, बस मास्क में ही हूँ। सो बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, और पीछे यहाँ पे है कूलर, मैंने पानी पिया है वहाँ से अभी। सो कूलर में भी पानी जो है ना गर्म आ रहा है, ठंडा नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो अभी भाई गया कुछ सामान लेने, भाई हमको लेने आया था और हस्बैंड छोड़ने आए थे। सो ये आ गया मिस्टर ब्रदर। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं फिर घर, और मिलती हूँ गाइस फिर घर पे, आप रास्ते का व्यू देखिए। और बसेस वगैरह ना प्रॉपर जगह से शुरू हो गई, आपको दिखाती हूँ मैं। सो गाइज यहाँ पे जो बसेस वगैरह है देखिए, प्रॉपर तरीके से अब चलनी शुरू हो गई हैं, लोगों को थोड़ी राहत है। बट कोरोना के केसेस भी गाइज यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, अभी पीछे ही काफ़ी केसेस आए हैं यहाँ रामपुर से, तो वो डर की स्थिति बनी है। पर ये है फिर काम तो रुकता है नहीं है, तो प्रिकॉशंस भी लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट कोरोना उन्हीं को हो रहा है जो बाहर से आ रहे हैं, आउट ऑफ जो स्टेट काम कर रहे थे, या फिर अपने किसी बिजनेस के उसमें, या फिर कहीं जॉब से रिलेटेड, तो उन्हीं को हो रहा है जो घर वापस आ रहे हैं। सो अब ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बाहर ही रखा जाए, तो वो चीज़ है, अब उनको भी घर तो आना ही है अपने। सो उस वजह से ज़्यादा ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो उसमें काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ये। सो गाइज यहाँ पे बन गई है पार्किंग और रामपुर की, और काफ़ी मतलब रिजनेबल प्राइस है, तो भाई बता रहा था 25-30 रुपीज़ बस इतना ही लेते हैं ये, और शायद आर्स के हिसाब से। सो काफ़ी सही है, और नहीं तो रामपुर में बड़ी प्रॉब्लम है अब कार पार्किंग की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गाइज। सो यहाँ देखिए बाहर का वेदर भी थोड़ा सा ठीक होने लगा है जब हम वापस आए, और हमेशा ऐसा ही होता है, मार्केट जाते हुए बहुत गर्मी लगती है और जब वापस आते हैं तो वेदर थोड़ा ठीक हो जाता है। सो और गर्मी और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है गाइस। सो यहाँ है ग्राउंड जहाँ हम सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए थे। सो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस, आप देख सकते हैं पूरे जो ग्राउंड में ना अच्छी ग्रीन मतलब ग्रास है, काफ़ी सही लगता है। सो यहाँ हम चल पड़े थे स्टोर शॉप के लिए, कुछ सामान लाना था। सो गाइज ये है जीवाराम का स्टोर रामपुर में, काफ़ी बड़ा है गाइज, आपको पता है यहाँ से किन्नौर के लिए और जितने भी शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी मतलब यहाँ पे आते हैं, लाइक जो भी नियर बाय जो प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस हैं कोटगढ़ वगैरह जहाँ भी, तो सप्लाई होता है यहाँ से सामान, जो भी शॉपकीपर्स हैं वो लेते हैं यहाँ से सामान काफ़ी मतलब अच्छे रेट में, और मतलब रिजनेबल प्राइस होता है इनका, तो यहीं से ये पैकिंग करवा के देते हैं। देखिए यहाँ पे लेबर वगैरह सभी है। सो राशन हो गया, कोई भी आइटम्स हैं, तो भाई को थोड़ी बहुत मतलब यहाँ से शॉप के लिए लेना था सामान। तो देखिए काफ़ी बड़ा स्टोर है गाइस, काफ़ी बड़ा। सो मतलब कोई भी मतलब नियर बाय कोई प्लेसेस है तो यहीं से ले जाते हैं। सो ये मतलब ऐसा नहीं है कि रामपुर छोटा सा है तो चीज़ें नहीं है, सब कुछ है गाइस यहाँ पे, सब कुछ मतलब बहुत लोगों का फेवरेट प्लेस भी है, और मेरा तो स्पेशली क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ, सो मेरे लिए तो मतलब मेरा तो फेवरेट है ही, ऑल टाइम फेवरेट। सो यहाँ चल पड़े हैं घर की तरफ, न्यू बस स्टैंड भी हमने क्रॉस कर दिया है, पहुँच गए हैं पुल, तो बड़ा अच्छा लगता है गाइस। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मतलब और शिमला डिस्ट्रिक्ट दोनों मतलब बीच में पुल है, तो मतलब दोनों डिस्ट्रिक्ट में, और घर तो हमारा ऐसा है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी। सो गाइस पहुंच गई हूँ घर, और अभी बैठी हूँ फैन के नीचे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो यही था गाइस आज का दिन, अभी आपको दिखाती हूँ मैं कुछ एक चीज़ें लाई हूँ अपने लिए, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें हैं वो लेके आई, वो दिखाती हूँ आपके साथ। सो एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा थी, घूमने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी हम लोग थोड़ी थोड़ी जगह पे गए। सो मतलब जो जो काम थे, पेंडिंग काम थे, वो कंप्लीट किए, और मम्मी को भी काम था, मुझे भी काम था, वो हम कंप्लीट करके आगे हैं। और सो अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सो चलिए। सो गाइस मैं लाई हूँ मार्केट से कुछ एक चीज़ें, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली चीज़ तो मैं लाई हूँ ये कलर की नेल पेंट, और तो काफ़ी अच्छा कलर था, मैं ये शायद ग्रीन सा है, डार्क ग्रीन कलर है। सो एक तो मेरे पास ये है नियॉन कलर की, बट मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। सो ये मैं ऐसे ही रैंडमली लेके आई। सो ये वाला कलर है इसका, मतलब डार्क ग्रीन नहीं होता है वो कलर है। तो मम्मी ने अपने लिए कुछ लेना था तो वो अपने लिए परचेजिंग कर रहे थे, तो मैं ये लेके आ गई, और काफ़ी अच्छा कलर है, वाइब्रेंट सा कलर है, बताइएगा किस तरह का कलर लगा आपको।
और सेकंड चीज जो मेरे को काफी टाइम से मन था लेने का, सो वो है, सो ये आपको पता होगा जो मेरे यहाँ की लोकल सब्सक्राइबर्स हैं, इसको बोलते हैं सदरी, मतलब कि हिमाचल में इसे पहना जाता है, और बास्केट भी बोलते हैं, सदरी बोलते हैं, और जो मम्मी का माइका है कुल्लू साइड, वहाँ पे बतूही बोलते हैं, बतूही। सो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इसके। सो काफ़ी अच्छा होता है, इट्स अ काइंड ऑफ जैकेट, हाफ जैकेट आप बोल सकते हैं, इसमें पॉकेट भी है। सो अभी मुझे लगा कि मैं गांव जाऊंगी कुछ दिनों में, तो वहाँ के लिए मुझे लेनी थी। मेरे पास है जो मैंने पहले पहनी थी माइके वाले ब्लॉग्स में, वो ब्लैक कलर की, वो मेरे पास काफ़ी पुरानी है, मतलब बिफोर मैरिज की है वो। सो आपको मैं बताऊँ, वो शायद मेरे 11th 12th की है, वो तब की मेरे पास है, मतलब अभी तक मैंने उसे सेफ रखा था। कभी कभी मैं पहनती थी, बस थोड़ा सा शौक रहता है मुझे। सो अभी मैंने सोचा कि अब मैरिज हो चुकी है, सो आफ्टर मैरिज ये वाला कलर बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा स्टफ है इसका, वेलवेट सा स्टफ है, और काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और अफोर्डेबल थी ये। आई थिंक मुझे 400 के आसपास पड़ी मुझे ये, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस था, डिस्काउंट प्राइस पे मिली है, और बहुत अच्छा है गाइस। वैसे इसे सिलवा के भी किया जाता है, बट अब क्या हो गया ना कि रेडीमेड आना शुरू हो गई है, तो फिर इस वजह से तो मैंने ये कलर लिया है। सो मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, अभी नहीं, जब मैं पहनूंगी आप तभी देखना, जब मैं गाँव जाऊँगी तो मैं ज़रूर इसे वियर करूँगी। और इसी के साथ मैंने लिया है मैचिंग, इस तरह की है, मैं आपको पूरी दिखा देती हूँ इसका लुक। सो इस तरह से है, सो बहुत अच्छा कलर है, इस तरह से इसमें ना बटन्स भी दिए होते हैं, सो काफी अच्छा कलर है गाइज, यहाँ हिमाचल में तो इसे पहनते ही पहनते हैं। इसी के साथ मैंने एक लिया है अपने सर के लिए दाठू, जो यहाँ मतलब हिमाचल में इसे पहना जाता है, वो है ये कलर। तो बताइएगा किस कलर, मतलब किस तरह आपको लगा ये कलर, और बहुत अच्छा है, फ्लावर प्रिंट में है, और इसके जो एंड्स है उसमें लगा है टेसल। सो ये मैं लेके आई हूँ। सो मैं देख रही थी इस स्टफ का, वेलवेट स्टफ का, पर मुझे नहीं मिला, क्योंकि आजकल समर्स है, तो समर्स में वो कह रहे थे कि जो मतलब आते नहीं है समर्स में वेलवेट के जो दाठू होते हैं। सो मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा, और ये कलर भी हल्का सा रेडिश कलर है, और इस वाले इसके साथ पहनने पे अच्छे से जाएगा ये। सो बस गाइज, मैं अपने लिए यही लेके आई हूँ, और बाकी परचेजिंग थोड़ी हमने घर के लिए की है, ग्रॉसरी की थोड़ी बहुत, सो वो मम्मी लेके आए थे। उसके अलावा हमें कुछ और काम थे, वो हमने आज कंप्लीट किए हैं, शॉपिंग के पर्पज़ से हम नहीं गए थे, और बट मुझे लगा कि मुझे कुछ दिन में गाँव जाना है, तो गाँव के लिए मैंने ये परचेज करी है, और क्योंकि गांव में अच्छा लगता है वियर करना, यहाँ तो कोई पहनता नहीं है, बट गांव जाके अपने आप में फीलिंग आती है पहनने की, तब मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ। सो मैंने ये दो चीज़ें परचेज की है अपने लिए। कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वाली शॉपिंग कैसी लगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ यूजुअली अपने जो और शॉपिंग है वो दिखाती हूँ, सूट हो गया या कोई और चीज़, बट ये है हिमाचल की जो आज मैंने हिमाचल वाली ड्रेस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको कैसी लगी। सो यही तीन चीज़ें मैं अपने लिए लेके आई हूँ। सो ये कलर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पहनने के लिए, और मेरी बहुत अच्छी यूट्यूबर फ्रेंड है मीनाक्षी, सो देखिए मैंने ले ली ये कलर उनके हाथों में, मैंने देखी, वैसे मुझे ना ये इस कलर का इतना आइडिया नहीं था। सो नियॉन कलर तो मैंने रैंडमली ले लिया था, बट इस कलर का मुझे कोई मतलब आइडिया नहीं था, तो ये कलर मैंने उनके नेल्स में देखा था, सो मैं मुझे लगा कि मैं भी ले लूँगी इसे। वहाँ पे और कलर नहीं थे, नहीं तो मैं और भी कलर लेने का सोच रही थी, बट मम्मी ने वहाँ पे कुछ एक शॉपिंग की तो मुझे ये कलर दिख गया, सो मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए, और बहुत अच्छा है। आई थिंक मुझे 40 के आसपास पड़ी है, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो उनके पास और कोई ब्रांड नहीं थे, बिल्कुल इसी तरह के थे, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ, क्योंकि एक बार अगर चीज़ दिख जाती है तो ले लेनी चाहिए। सो आई होप गाइज आपने आज का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, अभी जस्ट हम घर पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी गाइज, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, और बाकी मैं क्या बोलूँ, कमेंट कीजिएगा ढेर सारे, प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हो, बट प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आती है लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय बाय।